बिना कभी कुछ याद आ जाता है जी। नहीं विचार नहीं आए इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, विचार तो आएंगे और विचार बड़ा स्वाभाविक मामला है। जैसे आप मुझसे कहे कि सांस नहीं आए इसके लिए मैं क्या करूं, तो सांस नहीं आए इसके लिए तो लोग गजब है, लोग प्राणायाम बता देते हैं कि आप ऐसा ऐसा प्राणायाम करो सांस रुक जाएगी, पर कितनी देर रोक लोगे आप सांस। स्वभाव क्या है, श्वास का आना जाना, हम जीव जीवन थे तो श्वास तो आएगी जाएगी, हम जीवन थे तो विचार चलेंगे, और विचार किसी की बंदी हो जाए तो क्या होगा, वो तो श्योफल जैसा हो जाएगा। श्योफल विचार थोड़ी करता है, आदमी हम विचार तो करते, शुभ अशुभ का, सत्य असत्य का, तो विचार तो चलेंगे, विचार अपनी जगह चल रहे हैं। अब आप थोड़ा सा अपनी दिशा को बदलना, आप इस पर अपने ध्यान को आकर्षित करें कि बड़ा स्वस्थ लग रहा है, बड़ा ताजा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, सुंदर सुबह है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मस्ती आ रही है। इस अगर अपना ध्यान इस मस्ती पर जाए बजाय कि सारे जितने भी योगी हैं इस दुनिया में उनका एक ही जगह विचार ध्यान रहता है कि विचार रुकना चाहिए, और जैसे ही उस पर आपका ध्यान गया कि विचार रुकना चाहिए, बस आपने असंभव काम में हाथ डाल दिया, पता नहीं कितने जन्म निकल जाएंगे आपके, क्योंकि विचार रोकना है ये विचार को सबसे बड़ी ताकत है। विचार जैसे आपने कहा विचार रोकेंगे आप, बस अब तो कभी भी नहीं रुकेगा, उसको ताकत दे दिया आपने। विचार को ताकत मत दीजिए, विचार रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने कही कहा आपसे कि ये पहला प्रयोग विचार रोक देगा, कि दूसरा प्रयोग विचार रोक देगा, कि तीसरा प्रयोग विचार रोक देगा, नहीं। आप निश्चित तौर पर इस प्रयोग से आप अपने आप से थोड़े से डिस्टेंट होंगे, थोड़ा सा आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, आप जो जुड़े हुए हैं, ऐसे फंसे हैं आप आपके मन के साथ, आपके भावों के साथ, वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनना शुरू होता है। फिर मन इधर चल रहा है, शरीर में इधर दर्द हो रहा है, या अच्छा लग रहा है, जो भी हो रहा है, ये सब इधर हो रहा है और आप यहां हो गए, आप इससे थोड़ा सा अलग हो गए, आप मन नहीं है, आप विचार नहीं है, विचार अपनी जगह चले। और जब आप थोड़ा सा अलग होते हैं तो आपको विचार, जैसे कि अभी आप जोर जोर से बातें करें, मैं थोड़ा दूर निकल जाऊं तो मुझे आपकी बातें जरा कम सुनाई पड़ेगी, और दूर निकल जाओ, और दूर निकल जाओ तो मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सब चुप हो गए, और उल्टा अगर मैं आपसे कहूं चुप रहो तो आप रहोगे चुप, आपको तो मजा आएगा कि चलो इस आदमी परेशान कर, आप जितने नहीं चिल्ला रहे उतने चिल्लाएंगे, तो स्वाभाविक सा है मामला। तो आपको ये ध्यान प्रक्रिया आपके विचार शरीर भाव से थोड़ा डिस्टेंट करती है, थोड़ा सा जगह बनती है। थोड़ा समझने में कठिन है पर कर गुजरने में बहुत आसान है, इसीलिए प्रयोग पहले कराया बाद में बात करने बैठा हूं। बात पहले करता तो आपको लगता है तो बहुत ही कठिन मामला, ये ऐसा कैसे होगा, पर ये प्रयोग में अपने से होगा, बहुत मजेदार है। बहुत अच्छी बात है, रुकता है तो जी जी बहुत बढ़िया, पर चलेगा वो, ज्यादा देर रुकेगा नहीं, ठीक है। आपको रुकना है, विचार को नहीं रुकना है, हम विचार को रुकने जाते हैं तो हम क्रिया में आ गए, आप समझे जी जी जी। बढ़िया है, मजा आ रही है उसमें, हाँ क्या बात, मजा आना चाहिए। कोई तकलीफ हो रही हो तो पूछो, कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है तो आप बात करें, पूछें प्रश्न। बहुत लोगों के लिए प्रयोग पहली बार है, नया है, तो इसको जो भी जहां भी समझना है आपको समझो, और समझ के और पूरी तरह से करें। अगर इस प्रयोग में पूरे उतरते हैं तो ये रिजल्ट लाएगा, परिणाम लाएगा। परिणाम क्या है, मैंने आपको बताया, आप थोड़ा सा अलग होते हैं। जो पूरी गीता में कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, तू अलग है, तू देखने वाला है, वो देखने वाला जो बात है वो आपको घटित होती है। ऐसे मन में सोचे मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं, तो नहीं होता, ये तो विचार ही है, वो घटित होती है, वो बात, वो घटना घटती है। तो उसके लिए सारा प्रयोग है, टोटलिटी के साथ का।